पर्सन है? ओ पर्सन, तुम क्या स्मैक करने वाले किसको? बट there's a slang, yeah, it's not an actual word. Not that. Oh God, you know there was this one cheap guy in my tuition. He was just saying, oh, oh, ये मिस के तो एकदम चीकू है. Oh my God. चीकू तो वो हो गया ना. कहाँ से वो चीकू, इतना बड़ा चीकू होता है यार. वो तो चेरी हुई. पता है? एक बार ना जब मैं यहाँ से जा रहा था, मैं ड्राइवर को किसी ने पूछा, ये जेली है क्या? जेली? I think people around this area, they call game guys jelly. कुछ भी बोलते हैं, चावल, मीठा, गुड़, मक्खन. चावल अवल, सी मीठा, गुड़ बोर्ड तो ये सब तो बहुत कॉमन है. मक्खन. मक्खन. कोई मक्खन, कोई चीज, जेली. ये जेली मैंने पहली बार सुना. इतनी यमी यमी. बोलते हैं ना. चमीचा. मुझे एक बार किसी ने बोला था वो तरकारी. तरकारी. Vegetables. Vegetarian. Vegetables. तोरी. वेजिटेबल्स बेब. वेजिटेबल्स बोला? हाँ, तरकारी. देन यू इन योर एंटायर. आई सेड बट आई डोंट लाइक. डोंट लाइक इट? डोंट लाइक. आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स. ओह, नोबडी डज. एग्जैक्टली. एक्सेप्ट वेजिटेरियंस. आर यू अ वेजिटेरियन और अ वेजिटेरियन? आई एम अ प्योर नॉन वेजिटेरियन. मजे लेना है इनको. सुबह में एनर्जी है तो इनको अपनी करनी है. लोग बोल रहे सोने दो सोने दो सोने दो. इनके हिसाब से चलेगा यहाँ पे कि सुबह इनको एनर्जी है तो फिर सब लड़ो, नहीं है तो फिर शाम में सब चुप बैठ जाओ. तो मुंह पे एक ही बात बोलने का दिल हो रहा है इन लोग को कि अगर आए हो ना तो अपने रूम में मसाला ढूंढो. दूसरों के कमरे में क्यों तुमको जानना है अच्छा है बुरा है नहीं है. जो कमरे वाले हैं ना, एक पॉइंट पे ये भी करते पता है, इनको लगता है सारे छः कमरे में से ये बहुत स्मार्ट है और ये हारमोनी मेंटेन करते करते रह लेंगे. कल जरा सा नॉमिनेशन हुआ तो खाने पे इनकी आवाज़ उठने लगी. मैंने राजस्थानी ब्रदर को कभी चिल्लाते नहीं सुना. कल तो धक्के दे रहे थे दरवाजे को. आज टास्क वगैरह होगा ना, सबको पता लगेगा किसमें कितना दम है. जो इतनी बकवास करते हैं उनमें कितना दम है और जो नहीं करते उनमें कितना दम है. औरतों की बेइज्जती करते हैं जो, उसमें कितना दम है. अभी इसको वोटिंग पे भी पता लगेगा पब्लिक की कि कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं और कितने लोग नहीं कर रहे. क्योंकि जिस हिसाब से फिज़ा की आवाज़ आती है और जिस हिसाब से फिज़ा बताती है कि ये कर रहे हैं, उस हिसाब से तो अगर मैं भी पब्लिक का पार्ट हूँ ना, मेरे को भी क्योंकि कुछ दिख तो रहा नहीं है. आपको तो दिख रहा है टीवी पे, बट मेरे को दिख तो नहीं रहा, बट मैं सुन पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है. उस बेस पे तो मेरे को ये बंदा बिल्कुल जाहिल लगता है. फ्रॉड टुच्चा एक नंबर. और बाकी हमको उसके कमरे में नहीं है तो इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते 100% श्योरिटी से. बात सच है या नहीं, आज से गेम शुरू है बस इतने को इतना पता है. इनफैक्ट कल रात से ही शुरू हो गई थी नॉमिनेशन की बात से. गेम तो शुरू हो गई है बेटा. तब तो अपन खेल सकते थे. यहाँ ये था यूनाइटेड में, संगठन में शक्ति है और अकेले में फटती है. मेरा हिसाब तो तुम, मैं भी थोड़ा रूम में खेलने के अलायंस बनाने की कोशिश करती हूं. लाइक बहुत इजीली खेल सकते हैं उस तरीके से अगर खेला जाए. मगर खेल के मतलब में खेलो यहां पे साथ में रहना. तीन जनों में खेलोगे क्या? वही अपन चार भी हैं. चलो ठीक है, दो दूसरों के रूम के जैसे अपना वो है भी नहीं कि सर्कुलेशन की. दो अलग बैठ जाएंगे, एक इधर बैठ जाएगा. अपने क्या होगा, दो उधर बैठेंगे तो दो इधर बैठेंगे. ताकत बराबर की है. हाँ, एज अ कंटेस्टेंट हम एक है मगर रूम में दो हैं. दो हैं. आपको मेरी भी बातें चुभेगी और उसकी भी चुभेगी. ऐसा तो है नहीं कि मेरी अकेले की चुभेगी. हाँ, आप क्या कह रहे थे? कुंचु कांगड़ सर टेंशन से एक बात करने कह सकते? हाँ, आपका पूरा अधिकार है. आपके अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा. बोलिए. नहीं नहीं, मुझे ये बोलने की ओके, ऐसा टीम वर्क हम बहुत अच्छे खेल रहे हैं ना. बहुत अच्छे खेल रहे हैं. लेकिन अभी एग्जांपल टावर के बारे में सब कुछ हम सब एक के मन में हो गया तो हम सब फॉलो कर रहे हैं, है ना. अगर किसी ने गलती भी की इस रूम में ना, डायरेक्ट उससे के आगे बोल देना. है ना, नहीं पिछवाड़ी नहीं बोल रहे. फिर अगर थोड़ा से इस चांस में क्या होता है, बाद में सुनाई का हम पीठ पीछे नहीं बोलते. किसने बोलता है, आदत ही नहीं है पीठ पीछे. मैं बोल रही हूँ ना, अगर बाद में सुनाई का कि तुम्हारे रूम में तुम्हें ऐसे कुछ किस कोई ने बोला बोली, है ना, गैस करो कौन. गैस करो कौन.
फिर ये सुनते शौक हो जाएगा, आपको भी शौक हो जाएगा, उसको भी शौक हो जाएगा, मुझे भी शौक हो जाएगा, कौन बोला नहीं। तो अपन ने कल एक अपने आप ही एक टॉपिक निकाल लिया ना कि खुद की कमियां निकालो, बात खत्म, मुंह पे बोलो, पीठ पीछे ठीक है मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं हम दोनों जा रहे हैं, आप दोनों आपस में बात करें, कोई सेंसेबल थिंग नहीं, आप भी मन में कहीं ना कहीं वो एक साइड होते जा रहे हैं, मैं भी एक ना, वो फायदेमंद चीज़। और एक बात बताऊं, अगर आप किसी के लिए नेगेटिव हो ना, अपने आप उसके मन में नेगेटिविटी आती है, वही तो आ जाता है, वही तो। आप किसी का बुरा चाहोगे ना, वो अपने आप आपका भी चाहेगा। मेरे को ध्यान है एक चीज, इससे मैं मेरी मैरिड लाइफ के बारे में बताना चाहूंगा, काफी ऐसे मेरे दोस्त लोग हैं जैसे जिनकी, अब मैं नाम नहीं लूंगा उनका, कि जिनकी शादी हो गई, बार अफेयर्स चल रहे, मेरे को ऐसा, हमको ऐसा कहा जाता है कि यार पता क्या पड़ता है। मैंने कहा पता नहीं पड़ेगा, मैं कल को बार अफेयर रखूंगा, घंटा पता नहीं पड़ना, मैं मैनेज कर लूंगा। मगर क्या होता है कि एक वो जो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होती है ना, अगर मैंने यहाँ धोखा देने की सोची तो अपने आप उसके दिमाग में आ ही जाएगा कि मैं भी इनको धोखा दूं, क्या पता पड़ता है, वो भी आ जाता है। यार थोड़ा सा हाव भाव से पता चल जाता है। मैं पकड़ लूंगी मैं और एक तू, पेट भर खाना दोनों मिले इस तरह, अब जो इस फेस में होने वाला है वो होके रहेगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अभी जो टास्क है तीन बंदे करेंगे, एक को बाहर निकालना भी है। तीन क्यों करेंगे, इंडिविजुअल टास्क होगा ना, वी आर इंडिविजुअल्स, डिफरेंट। अगर तीनों का हुआ तो ऑप्शन है, अगर इंडिविजुअल हुआ तो अपने अपने पास ऑप्शन है, तेरे पास अपनी ऑप्शन, मेरे पास अपनी, उसके पास अपनी, ठीक है। अगर टीम का है ना, सुन, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन चाहिए दो बंदों का, वो तो आपको डिसाइड करना है आपका किसके साथ है। देख, तीर ऐसे भी घूम सकता है, तीर ऐसे भी घूम सकता है, तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यही बात मैं उसे बोलूँगा अलग ढंग से, ये बात मैं तुझे बोल रहा हूँ अलग ढंग से, ठीक है। अब तुझे समझदारी चाहिए, मौके पे जिसने एक दूसरे का हाथ कसके पकड़ लिया, कसके, वो जीत जाएगा। तू मेरा हाथ कसके पकड़ लेगी या वो मेरा हाथ कसके पकड़ लेगा, छोड़ तो नहीं दोगे ना। मैं ना उसको छोड़ूंगा ना तुझे छोड़ूंगा, तुम सारे अब हम अपने दम पे बनेंगे यार, एक दूसरे के दम पे नहीं बनेंगे। सिर्फ एक हेल्पर होता है ना, आज मैं हेल्पर बन रहा हूँ, कल तुम हेल्पर बन सकते हो। देख, चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, जो ईमानदारी से खेलता है ना, जीतता तो तब भी वही है। नेगेटिव वाला बंदा जीतता 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 एकदम हार जाता है आगे जाकर। मुझे लग रहा है ओप्रिया और फिजा ना स्टंट कर रहे हैं, ये दोनों जानबूझ के, दोनों की कुछ लड़ाई नहीं होती होगी। लड़ाई होती तो इतना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, वही तो। अगर तू और मैं लड़ पड़े, तेरा हाथ उठेगा ही उठेगा एक टाइम पे, वही तो उठेगा नहीं, मैं वो सामने भी ना देखूं। हाँ, देखे ही ना बंदा। और वो अब मस्ती कर रहे हैं, बोलता है, अब मस्ती कर रहे हैं, अरे सोने दो उसको, उठाओ मत, जगाओ मत, तो वो सब ऐसे उसके बारे में बोले ही नहीं, टोंट मारे। कंट्रोवर्सी यार, ये साले एक्टर हैं, तगड़े एक्टर हैं ये बाहर से ही कर, बाहर से प्लानिंग करके प्लान कर अंदर, जिस दिन पहले दिन आए थे ना उसी दिन इन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया होगा। वरना लड़का भी चुप ना बैठे ऐसे, वो भी सिंपथी गेन कर रहा है कि हाँ भाई मैं अभी चुप बैठा हूँ, ये 10 बार बोलते तो मैं 2 बार बोलता हूँ। तो बात की एक बात, चूचू नाम रखा क्यों विकास ने? अरे मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसा, वो पूछ रहा हूँ मैं। पता होता तो वो क्यों ढूंढता? मैं ढूंढ रहा हूँ ना कौन है, ऐसा किसी कोई बोलता है क्या? हाँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मेरी हट गई ना तो मैं अंदर गेट तोड़ के बाहर आ जाऊंगा और मेरे को रोक नहीं पाएगा ना। मैं डरता हूँ अपने आउट होने से, मैं गेट फाड़ के घुस जाऊंगा अंदर।
पर इसका मेरा मेन मजा ये ना, इतना स्पॉइल्ड स्पॉट बिहेव कर रहा है। कौन? चुचू। हार गया, हार गया, ऐसा रो रहा है वो। उस लड़की के ऊपर चिल्लाओ तुम। तेको शर्म नहीं आई कि लड़की तेरे पे कूद कर तो गिर भी गया? लड़की तुझ पे गिरे तो गिर भी गया। ओम प्रकाश जी हमारे साथ एक टास्क करेंगे और हर चीज जो वो निकालेंगे उसे एक घर वाले से कंपेयर करेंगे। मेरे घर वाले कौन कौन है वही नहीं पता। रूम से कंपेयर करेंगे और पहले वो टास्क की शुरुआत कर रहे हैं अभिराज जी। चुचू चुचू वो क्या मेरा भी मुंह रहे धुआं निकलता है। ओके ओके अगली चीज भाई अभी चालू ना भाई अभी नाचेंगे नाचेंगे गाएंगे गाएंगे प्रॉपर्टी रख ले निकालना आप निकाल रहे इंटरेस्टिंग रुक तू चूल्हा चूल्हा ऐसे आपको कौन याद आता है? ओम प्रकाश जी प्रतीक याद जला है ना जला जला जलता है ना रुकना फायर रहता है ये दिव्या है जिसके काटने का हमको अंदाजा नहीं है कैसा काटेगी बट है कहीं ना कहीं घर में तो ये कोने में रहती है जो ज्यादा दिखती नहीं है लेकिन है भुट्टा कौन है भुट्टा ये भुट्टा है इसमें बहुत दाने होते हैं बरसात में लोग इसका आनंद उठाते हैं स्पेशली लवर्स जो थोड़े से चिंदी होते हैं हाँ और इसमें नींबू घसा जाता है जिसके खाने नींबू है अपने पास तो आप इसे किसको देना चाहेंगे इसे यस और आपको एक्सप्लेन भी करना होगा क्यों मैं इसको दानिश को देना चाहूँगा क्योंकि दानिश के चेहरे में बहुत पिंपल्स हैं और उसके चेहरे में बहुत सारे पिंपल्स हैं और वो भी ऐसा लंबा है जाड़ा है तो वो भी वैसा ही है दानिश हाँ वो दानिश पेस्ट्री दानिश पेस्ट्री और जिस उसके लिए पेस्ट्री निकालना जिस ये भुट्टा सिर्फ बरसात में मिलता है दानिश सिर्फ टास्क में दिखता है इसमें लॉजिक नहीं है गुड लुकिंग रुको देख रहे हैं तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं एक सेकंड ये फावड़ा है जिससे जिस तरह आप लोगों के अंदर से उसकी असलियत खोदते हो और ऐसे निकाल के हमारे सामने पेश करते हो लोगों के सामने हमें तो नहीं दिखाते हो लोगों के सामने क्योंकि हम तो दिख चुके हैं हमें क्या दिखाएंगे हमें दिखाएंगे तो और मजा आएगा काजी ब्लेसिंग इन सब स्पेस मुझे पता नहीं लगा फिजा क्यों बिस्मु बोल रहा है मुझे अच्छा नहीं लगा नहीं मैंने कल परसों रात को सुना था वो करते हैं स्टैंड लेते हैं दूसरे लास्ट में क्या बोला पता है क्या ये बहुत एक फेक मास्क पहन के बैठे हैं इनको अपना एक इमेज क्रिएट करना है जब असली फाइट पे आएंगे ना उनको असली दिखाई जाएगी तभी अपना तब असली चेहरा दिखाएंगे तेंजिन को नॉमिनेट किया किसने ब्रदर्स ने राइट भाइयों ने किया तेंजिन तो डॉक्स होंगे एक नंबर के लोड है क्योंकि गधों को लगा तेंजिन एक तो उसको हिंदी आती नहीं है और इन लोग का ईगो हर्ट हो जाता है कोई अंग्रेजी बोले तो अभी बोल भारत में रहकर तुम लोग अंग्रेजी बोलते हो अंग्रेजी चैनल पे आ रहा है एमटीवी क्या है मॉर्निंग मॉर्निंग यू विल स्टार्ट विद मंथर मैंने कभी कुछ आज तक बोला पूजा हम सब सारे सुनते हैं कोई कुछ नहीं कहता उनको हमने आपको सपोर्ट किया था मैंने सपोर्ट मांगा मैं वोट पे यहाँ पे आई हूँ इरिटेशन इसलिए भाई आई एम वेरी लकी कि आज सुबह मैंने डिसीजन लिया इसके साथ चीज़ों को ख़त्म करने का वरना ये लोग तो उस चीज़ को पावर बना रहते हैं जो देखा है दो दिन में लड़ाई होगी भाई लड़ना नहीं है मेरे से तू तू नहीं लड़ेगा मैं तेरे को उठा उठा कर दूंगी मैं बलि आउट हो जाऊँ
और आप जो पर्सनल पे आ जाते हो ना वो बहुत गलत है। आप थोड़ा दिमाग को शांत रख के भाई, क्योंकि तो मैं उसे बता रहा हूं कि गरम दिमाग में जो वर्डिंग निकालता है वो सोच के निकाला कर। मैं चाहती ना तो मैं सामने और बोलती, पर मैं बोलती हूँ फिर मुझे ऐसा होता है कि नहीं मैं क्यों अपना वो बीपी हाई करती हूँ, तो मैं ऐसे चलती हूँ बस, मैं नहीं बोलती सामने झगड़ा। तो आप मुझे प्रोवोक मत करो, फिर भी मैं प्रोवोक नहीं होती क्योंकि मुझे इंसल्ट नहीं पसंद। आप इधर बैठ के इसको ये बंदी ऐसे मत करो भाई। उस टाइम पता था मुझे, उस टाइम ऐसे मत, यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं। क्लियर कुछ भी नहीं किया है इधर बैठ के। मुझे पता था कि भाई मेरे को बोला है, इंडिकेशन मेरे को उसने खुद बोला था कि दीपक निकल, बोला था इसने। मैंने नाम नहीं लिया भाई। नहीं नहीं उधर की वो पत खत्म हो गया, मैं इधर की बात कर रही हूं। सिर्फ तुम बहस करने लगे आप बोले ना, बंदा लड़ाई करके आया, बंदा उसको वहां पे कल को पड़ा, उसने बोला मुझे मत बोल। मैंने इनको ये नहीं बोला था कि पूरी गलती आपकी है, ठीक है। मैंने कहा था यार हमारी गलती है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, मुझे मत बोल। मैंने ऐसे नहीं, आपने वहाँ पे कुछ मुझे बोला, मुझे मत बोल। नहीं नहीं ये मैंने दूसरी बार में बोला था, आपने वहाँ पे मुझसे कुछ चिल्लाया, मैंने कहा मुझे मत बोलो। नहीं नहीं मैंने आपको चिल्लाया नहीं था, मैंने बोला गलती ऐसे ही थोड़ी छूटते बोला, आपने बोला टीम ही गलत मिली है मुझे, मुझे को टीम चेंज करे, मुझे जो टीम ही ये बंदे ही मेरे नहीं है। मैंने कहा मुझसे मत बोलो, फिर मैंने बोला था। तो आप ऐसा किसी को उंगली ऐसे बोल बोल, बंदा उसको तो वो भी एक समझदारी होती है, बंदा सामने का बंदा घुस तो यार एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करी मैं यहाँ पे, मैं आपको नहीं बोली दीपक, मैं खुद से बातें कर रही थी, वो एडजस्ट ही है मेरा। Long back, you know, once this thing has happened with me, where no one in my family knew that, like you know, me being obvious, or they made it, they never made it obvious that my preference. Whatever I could say, you know, my mom would just be like, chup. Like, you know, just hold my hand. Because I was someone who would say it all out loud. In the face. One day I just like, you know, broke down. I'm like, no, enough. You must have lived it that way. I cannot. Dude, so I realized, like, you know, when my brother, he came out, so my family was like, pehle thoda sa bolne mein, just keep quiet types. So I said, aap chup rahoge na, उसको बोलने में कितना वो लगेगा कि अगर मेरे खुद के अपने बोलने से पहले डरेंगे कि यू नो या ही इज गे। तो आई वाज लाइक दैट्स नॉट नॉट सो माय फैमिली वाज सेइंग सुबह लेकर अच्छा नहीं, यूएस में है तो ये कल्चर है। आई वाज लाइक दिमाग खराब है तुम्हारा नंबर के, मतलब सोसाइटी पहले से जिस चीज को बोलते आ रही है, इंसान जान पूछ के कोई चूज करेगा कि हाँ मेरे को प्लीज मेरे को तंग करो, मेरे को जीने मत दो, मेरे को टॉन्ट करो, कौन बोलेगा? गट्स चाहिए होती है खड़े होने के लिए अपने लिए, और वो खड़ा हुआ है उसके साथ में खड़े हुए किसी ने बकवास करी। मैं आई डोंट टॉक टू मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स बिकॉज आई कॉन्ट स्टैंड दिस काइंड ऑफ शिट। आई लाइक मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, फैमिली होती है ना वैल्यूज बोलते हैं, बहुत सी बात होती है, खड़ी होती है बहुत सी बार। ऐसे होता है गेज आर नोन एज नामर्द, जैसे कि ये नामर्द है। आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन ऑल आउट देयर, नामर्द वो होता है जो बच्चे नहीं पैदा कर सकता है। आज आप जाके देखो कितने लोगों को बोलते हैं अरे ये तो नामर्द है, इसको बच्चा कैसे हो गया। इट्स जस्ट अबाउट द फीलिंग, इट्स जस्ट दैट वी हैव अ हार्ट ऑफ अ वुमन, दैट डजंट मीन वी वांट टू बी अ वुमन। योर हार्ट इज वेयरएवर इट वांट्स टू बी, यू डू नॉट कंट्रोल योर हार्ट, दैट्स व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। मोस्ट ऑफ द गाइस दे से ओ ब्रो आई डिडंट एंजॉय इट एट ऑल। Yeah, I've heard that too, yeah. You know what answer I gave? Thank God, because men have this superiority complex that... See, the thing is, this is what now, the segregation in it happens, this labeling. Stop labels. Stop trying to define things. Stop trying to understand, you know, what this is. Arre, nahin samajh aata, aage badh jao. अगर एंटरटेन करना चाहते थे, एंटरटेन करने के लिए हम लोग गाने रैपिंग किया ये किया, एंटरटेन करने का तरीका नहीं है, मजा आना चाहिए ना, हम भी करते हैं ना भाई, ये कान में हम भी करते हैं, हमको कोई बोले कि यार हम करते हैं। नहीं इन लोग को क्या लग रहा है कि इन लोग क्या पिकनिक पे आए जिधर चार लोग लला 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 करके गार्डन में घूम रहे हैं। हाँ वो ऐसा लग रहा है कि चार बच्चे आए हैं, हम सिर्फ फेक कर रहे हैं। Tenzin actually sweeter. Tenzin को कुछ बोलने का अपने को मतलब नहीं, उसको तो बोल ही नहीं रहे, उसको तो कुछ बोल ही नहीं रहे Tenzin को, और तीनों ने मिलके उसको ही निकाला ना, नॉमिनेट तो Tenzin को किया था हम लोग ने। इसको पता है क्या बुरा लगा ज्यादा कि इसका
और इसने ना गलत बोला कि चेतना इस पे गिरी, चेतना इस पे नहीं गिरी, इस पे मैं गिरा। मैंने कहा चाहे मेरी गलती हो चाहे ना हो, जो सर बोलेंगे ना मैं मान जाऊंगा। उन्होंने बोला कि तू मान जा, गलती अगर होती तो डिस्क्वालीफाई होती वो लड़की, अभी नहीं इसका मतलब गलती नहीं है। मैंने कहा ओके, बैठ गया। नहीं मान रहा था भाई, मेरा दिल नहीं मान रहा था। बंदा हार का मान जाता, अपने से हार मानता है, सामने वाला तो पाया कुछ भी। जो मैं हारता हूँ अपने दिल से हारता हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि भाई तू आउट है। 100 करोड़ शोर मचा रहा था। 100 करोड़ लोगों को क्या लगेगा पता कि बस होगी। सो यार ये नहीं है, तू नहीं समझ रहा भाई। 100 करोड़ लोग दिमाग लेते हैं, उनको पता है भाई ये लड़का दिल नहीं मान रहा इसका कि आउट हुआ है। अगले को लग रहा है भाई कि गिरा है उसको। भाई कोई भी हार नहीं मानता, हमें खुशी थोड़ी ना हार के, हमें खुशी थोड़ी ना हार के। मैं कोई और बात कर रहा हूँ, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। तू बात नहीं समझ रहा, तू हमेशा पता है उससे हार बर्दाश्त नहीं होती ना। कंप्यूटर समझ रहा है मुझे, मैं कंप्यूटर नहीं समझ रहा। फीलिंग में तू बैठा होता ना तो मैं तेरा साथ देता और तेरे को तेरी हाँ में हाँ मिला के तेरी पूरी बात सुनता, ढंग से बनाता तेरे को। और तू क्या कहता, बाकी को दोस्त मिला यार, पता ये होती है फीलिंग। तू मुझे कह रहा आखिर आना पड़ा ना, आखिर आना पड़ा। भाई तेरी बात ठीक है, दिल नहीं मान रहा क्या करूँ बता, दिल नहीं मान रहा क्या करूँ। तो शुक्र आप कलेश नहीं करो ना, कलेश मचा देता मैं तो। वो तो शुक्र है फालतू ही बोला मेरे से। अगर वो उधर कोई उधर कोई फालतू बोलता ही ना, उन्हें पता है हम गेम खेलने आए, लड़ने आए नहीं। सुन ये, अगर सुन ये लव स्कूल में होगा ये बोल जाता ना, अगर फालतू वहीं पे इसकी गेम वहीं कर देता मैं बैठ रहा था। बोल फालतू नहीं रहा भाई, बच गया उस टाइम, क्योंकि उस टाइम गुस्सा आया था मेरे को बोल। ये तीनों जितने भी खड़े थे भाई भाई करके बात कर रहे थे, इसलिए बचे हुए थे। अगर चू कर जाते ना ये, इनको वहीं लपेटता। फाइट क्लब नहीं है, डरता नहीं किसी के बाप से भी। फाइट क्लब थोड़ी नहीं हो ना तो झुकूंगा नहीं किसी के भी आगे, बात खत्म। Everyone together wish her please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Pooja. Happy birthday to you. Woo! Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Unko ek ek piece de dena please. नहीं यार सबको दे रही हूँ यहाँ से, इतना हम लोग खा भी नहीं पाएंगे सबको, ये बहुत भारी है। थैंक यू पूजा, आ गया। हाँ जी हमको भी पूरा मिल गया विद द चेरी ऑन टॉप। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे पूजा। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हमको केक नहीं मिला अभी तक, ठीक है, और बहुत तेज केक खाने का मन कर रहा है, बहुत तेज केक आया है। प्लीज केक भेज दो हमें भी यार, किसी का जन्मदिन है तो हम क्यों भूखे मरे यार, यहाँ पे हमारी ही गलती है, बल्कि हम तो ट्रम्प कार्ड भी जीते हैं। भगवान आए, भगवान साक्षात भगवान आए। गिव कैसे जाता है ना, व्हेन यू गेट स्टक इन अ रूम इवन स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैटर। स्पाइस सो गोइंग बैड। हां जी देखो ऐसे चीको चिल्लाओ कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी देख ये लोग चीख चिल्ला रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर हमें चिल्लाना है तो बारात निकाल देंगे। गुड नाइट।